फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फैमिली ट्यूब। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमारा जो लंच है वो किस टाइप का होना चाहिए, किस टाइम तक हमें कर लेना चाहिए। हमारा सेकंड इम्पॉर्टेंट जो मील है दैट इज लंच। तो अगर आप अपना ब्रेकफास्ट 7-8 बजे तक कर लेते हैं तो आपका लंच का जो टाइम रहेगा वो 1-1.5 बजे तक आपको कर लेना है। अगर आप 9-9:30 बजे तक भी अपना ब्रेकफास्ट करते हैं तो भी आपका लंच का टाइम मैक्सिमम 1:30 या 2 बजे तक ही रहेगा। लेकिन जो अर्ली ब्रेकफास्ट करने वाले, जिससे 7-8 बजे का जो मैंने बोला है, और फिर आपका सेकंड जो मेन मील है वो 1:30 बजे होगा, उसके बीच में जो 11-11:30 बजे का जो टाइम है, उस टाइम हमें थोड़ा सा भूख लगती है, तो उस हंगर को कैसे आप कंट्रोल करेंगे वो सबसे ज़्यादा मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, या तो कुछ आप ड्राई फ्रूट जो है वो लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़े बहुत, या कोई एक फ्रूट जैसे एप्पल ले लिया या आपने बनाना ले लिया, या सबसे अच्छी बात क्या है, एक कटोरी आप दही लेंगे, उसमें आप कुकुम्बर टमाटो छोटे छोटे पीसेस करके उसमें मिक्स करके थोड़ा सा मसाला, चाट मसाला या नमक, काली मिर्च डाल के उस टाइम आप जो 11-11:30 बजे का टाइम है उस टाइम आप वो एक कटोरी दही ले लेंगे, ताकि जो 1:30-2 बजे जब आपका लंच टाइम आए तो आपको कोई भूख भी ना लगे, बहुत ज़्यादा भूख ना लगे, और जो आप जो लंच में बहुत बड़ा पोर्शन जो खाने वाले थे वो भी कंट्रोल रहे। तो ये हमारा सबसे अच्छी टिप है कि जो ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में जो 2-3 घंटे का जो गैप होता है उसमें हम ऐसा क्या लें कि हमारा जो लंच है वो भी हमारा अच्छे से रहे। तो अभी मेन हम जो लंच पे आएंगे, लंच में आप दाल जरूर रखिए, डेली आपके लंच में दाल जरूर होनी चाहिए। उसमें आप चना, छोला, राजमा ऐसा कुछ रख सकते हैं। जो नॉन वेजिटेरियन है वो अपना चिकन, एग या कुछ ऐसा ग्रेवी टाइप जो भी कुछ है वो रखिए। वेजिटेबल जैसे आप पोटैटो के साथ आप पीज ले सकते हैं, आपका गाजर हो जाएगी, ब्रिंजल है वो वेजिटेबल आप ले सकते हैं चपाती के साथ, दाल के साथ है थोड़ा राइस रख सकते हैं। मेन हमारा लंच में एक कुछ लोगों की टेंडेंसी क्या होती है कि वो राइस भी लेते हैं और चपाती भी। आप थोड़ा कोशिश कीजिए, आप या तो दाल राइस, छोला राइस एक चीज़, या वेजिटेबल के साथ चपाती वो चीज़ रखें, मतलब दोनों। इतना सारा जो पोर्शन अगर आप थोड़ा थोड़ा भी लेते हैं तो वो क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो अगर आप राइस या चपाती में से एक सेलेक्ट करते हैं तो हमारा जो पोर्शन है, जो साइज़ है, वो थोड़ा ऑटोमेटिक अपने आप कम हो जाता है।